दोस्तों, लिबरल एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि मैंने अपनी बेसिक डिटेल्स अपडेट कर दी है एज एन एम्प्लॉय। मैंने अपना नाम, अपना फादर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि करेक्ट कर दी है, लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हुई है, पेंडिंग फॉर वेरीफिकेशन आ रही है। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि उसको वेरीफाई कैसे करना है। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूँ एक थर्ड जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट और मैं और मंदीप इस चैनल को चलाते हैं जिसका नाम है लेबर लॉ एडवाइजर। इससे पहले कि आगे बढ़े, फटाफट से आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने भी नहीं किया अभी तक उन्हीं के लिए हम वीडियोस बनाते हैं और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस न हो जाए। तो दोस्तों, यदि आपने अपनी बेसिक डिटेल अपने मेंबर पोर्टल पर जाकर अपडेट की है, जैसे कि आपका नाम, आपकी फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ इत्यादि, तो उसको आपके एम्प्लॉयर को अप्रूव करना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपकी बेसिक डिटेल्स करेक्ट नहीं है, यानी आपका नाम आपके आधार के साथ मैच नहीं करता जो यूएन में आपने डाल रखा है, तो आप अपना आधार सीड नहीं कर पाएंगे या फिर अपना पैन सीड नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में आप अपना क्लेम ऑनलाइन नहीं ले पाएंगे। यदि अब आप पैन और या फिर आप अपना पैन नहीं सबमिट कर पा रहे हैं तो आपका जो बहुत सारा TDS कट जाने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो अपनी PF की बेसिक डिटेल्स करेक्ट कर लेना। उसके लिए हमने डिटेल में वीडियो बनाया जो आई बटन पर देख सकते हैं। और यदि आपने एक बार PF की डिटेल अपडेट कर दी है खुद के पोर्टल से, तो आपके एम्प्लॉयर को अप्रूव करना ज़रूरी है। जैसे ही वो अप्रूव करेगा, ये डिटेल सब जगह अपडेट हो जाएगी। दोस्तों, मैं पुनः ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, आपके एम्प्लॉयर को अप्रूव करना ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे PF के मेंबर हैं जो ये कोशिश करते हैं कि खुद ही एम्प्लॉयर का लॉगिन बना ले या एम्प्लॉयर के पोर्टल पर खुद लॉगिन कर ले। नीचे प्रश्न आते हैं हमारे पास कि सर, एम्प्लॉयर के पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो रहा है, कौन सा यूज़र नेम पासवर्ड चलेगा? भाइयों, बहनों, वो केवल और केवल आपका एम्प्लॉयर अप्रूव कर सकता है। तो इस वीडियो में सिखाने वाले हैं कि एज एन एम्प्लॉयर आप कैसे अपने PF मेंबर्स की, अपने एम्प्लॉयज़ की बेसिक डिटेल्स को अप्रूव कर सकते हैं। बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो दोस्तों, एक बार जब आपने अपने मेंबर पोर्टल पर जाकर अपनी जो मेंबर डिटेल्स है वो अपडेट कर दी है, उसके बाद जो अप्रूवल होता है वो आपका एम्प्लॉयर ही कर सकता है। अब सबसे पहले मैं स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, ये अप्रूवल केवल एम्प्लॉयर ही कर सकता है। तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वो एम्प्लॉयर के पोर्टल पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, नया एम्प्लॉयर आईडी बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप अप्रूवल नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ ये वीडियो देख लें और अपने एम्प्लॉयर को सिखा दें कि उसको अप्रूव कैसे करना है। तो दोस्तों, एक बार आपने अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ इत्यादि अपने मेंबर पोर्टल पर करेक्ट कर दी है, तो उसको आपके एम्प्लॉयर को अप्रूव करना होगा। तो आइए समझते हैं उसके अप्रूवल का प्रोसेस क्या है। एज ए एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव, आपको एज एन एम्प्लॉयर वो मेंबर डिटेल को कैसे अप्रूव करना, और ये बहुत ही नया फीचर आया है इस PF पोर्टल पर, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करना है और आपको लॉगिन करना है। अब ये जो अप्रूवल है ये बाहर ही आपको ब्लिंक होता हुआ दिख जाएगा, मेंबर बेसिक डिटेल्स मॉडिफिकेशन अप्रूवल रिजेक्शन फैसिलिटी इज अवेलेबल नाउ। यहाँ पर आप क्लिक हियर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ ने अपनी बेसिक डिटेल्स मॉडिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे किसी व्यक्ति ने अपना आधार नंबर यहाँ पर करेक्ट किया है और उसने साथ ही साथ आधार के अकॉर्डिंग अपना नाम भी चेंज किया है। इसने अपना नाम MD सादिक अली से मोहम्मद सादिक अली कर दिया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति ने अपना आधार नंबर चेंज किया है, साथ ही साथ अपना नाम आधार के अकॉर्डिंग चेंज किया, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज की है। अब देखिए, ये डेट ऑफ बर्थ में जो चेंज है ये एक वर्ष से ज़्यादा का है, फिर भी आपके पास यहाँ पर अप्रूवल के लिए आ गया है, यानी अगर एम्प्लॉयर इसको चाहे तो अप्रूव कर सकता है। अब देखते हैं ये अप्रूव होएगा या नहीं, लेकिन आप इसको एक बार अप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से जब भी आप एज अ मेंबर अप्रूव अपना रिक्वेस्ट डालेंगे, आपके एम्प्लॉयर के पास ये डिटेल आ जाएगी। अब एम्प्लॉयर को क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं आप और यहाँ पे अप्रूव यूजिंग DSC पर क्लिक करना है। दैट्स इट। अप्रूव यूजिंग DSC करने पर यहाँ पर एक डिजिटल सिग्नेचर की विंडो आ जाएगी जिसमें आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर का पासवर्ड डालना है और अप्रूव पर क्लिक कर देना है। दैट्स इट। उसके बाद ये दोनों मेंबर डिटेल अप्रूव हो जाएगी और इसी तरीके से आपको अपनी मेंबर डिटेल अप्रूव करवा देनी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को यदि आप एम्प्लॉयज़ देख रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आप HR हैं, कंसल्टेंट हैं, तो ज़रूर ये प्रोसेस अपना कर फटाफट से अपने मेंबर्स की बेसिक डिटेल्स अप्रूव कर पाएं, ताकि वो अपने जो भी पैन कार्ड या आधार कार्ड सबमिट करना चाहते हैं वो सबमिट कर सकें। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? दूसरा टॉपिक तो सुनते जाओ।
अगर आपने जॉब चेंज करी है और आपके पुराने पीएफ अकाउंट से नए पीएफ अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट आप डाल चुके हो और अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, तो उसका सोल्यूशन क्या है ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी हम वो वीडियो डालें आपको सबसे पहले पता चल जाए। थैंक यू।